मोतीपुर के धुमनगर में रविवार की सुबह तिरहुत मुख्य नहर का बांध टूट गया। बांध टूटने से धुमनगर, बखरी और आसपास के इलाकों के करीब 200 घरों में पानी घुस गया। लोगों के घरों में रखे अधिकांश सामान भी बर्बाद हो गया। आसपास के इलाकों में करीब 200 से 250 एकड़ जमीन में लगे फसल भी बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जहां पर बांध टूटा है वहां 3 रोज पहले से रिसाव हो रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग के अभियंताओं को भी दी, लेकिन ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना को किसी भी अधिकारी और अभियंता ने गंभीरता से नहीं लिया। बांध टूट जाने की सूचना पर मोतीपुर अंचल अधिकारी कुमार भास्कर, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्ता सुरेंद्र कुमार अलबेला, स्थानीय मुखिया अवध किशोर पटेल, प्रखंड प्रमुख के पति बबलू गुप्ता, रणधीर कुमार, प्रखंड राजद अध्यक्ष जावेद अहमद, गंडक प्रक्षेत्र के सहायक अभियंता प्रिय रंजन राय वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अंचलाधिकारी ने बताया कि हालात काबू में है। सहायक अभियंता प्रिय रंजन राय ने बताया कि पानी के बहाव रोकने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही टूट बांध को मरम्मत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष बांध टूटने की सूचना के साथ ही पल पल की खबर ले रहे थे। डीएम के आदेश पर पानी से प्रभावित परिवारों के बीच राहत कार्य भी चलाया जा रहा है।